हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लिटरेरी स्कॉलर चैनल। और आज जो है ट्यूसडे है और आज हम ब्रिटिश लिटरेचर देखते हैं। तो आज हम ब्रिटिश लिटरेचर पे ये वीडियो करेंगे और ये जो आज का वीडियो होगा वो द रेप ऑफ द लॉक, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क अलेक्जेंडर पोप का, उसके ऊपर होगा। और रेप ऑफ द लॉक को हम लोग डिटेल में देखेंगे, उसके एक्सप्लेनेशंस को भी देखेंगे, सारे कैंटो वाइज देखेंगे। और मैं कोशिश करूँगी कि उसको इतना सिंपल तरीके से आपको समझा सकूँ जिससे आपको क्लियर हो सके वो पूरा पूरा जो मॉक एपिक है। सो सॉरी, थोड़ा सा मेरी तबीयत ठीक नहीं है, गला बैठा हुआ है, तो अगर कहीं कोई आवाज़ में अगर कुछ लगे तो फिर सॉरी फॉर दैट। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन के रूप में हम हमेशा जब भी कोई नया वर्क शुरू करते हैं तो उसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। तो चलिए देख लेते हैं। रेप ऑफ द लॉक एक तरीके का मॉक एपिक है जिसको हीरोइक कपलेट में अलेक्जेंडर पोप ने लिखा है। और ये एक एक्चुअल इंसिडेंट पे बेस्ड है जो कि 1711 में घटित हुई। इसमें ये हुआ कि जो अलेक्जेंडर पोप के एक फ्रेंड थे जिनका नाम जॉन कार्लाइल था, उन्होंने एक ऐसी चीज़ विटनेस की जिसके लिए उन्होंने पोप को बोला कि आप इसके ऊपर कुछ लिखो। और वो इंसिडेंट ये था कि एक रॉबर्ट लॉर्ड पेटर नाम का एक युवक, एक आदमी जो कि एराबेला फरमोर से बहुत ही प्यार करता था और वो किसी कारणवश रिजेक्शन की वजह से रिवेंज लेने के चक्कर में वो उनके लॉक्स काट देता है, उस लेडी के लॉक काट देता है पब्लिकली। और ये एक बहुत ही ऐसा इंसिडेंट होता है जिसको जॉन कार्लाइल आके बताते हैं और उन दोनों फैमिली में काफ़ी ज़्यादा उसके लिए झड़प होती है। और ये जो बात है ये आके कार्लाइल अलेक्जेंडर पोप से कहते हैं कि क्यों ना तुम इसके ऊपर एक ह्यूमरस पोएम इस इवेंट के ऊपर लिखो जिस पे जो कि इसको दर्शाए। सो ये जो आइडिया है रेप ऑफ द लॉक का, ये वहीं से अलेक्जेंडर पोप के मन में आता है और फिर वो इस पर काम करते हैं और इसको एज ए कम्प्लीट वर्क हमारे सामने रखते हैं। और ये एक इनका अलेक्जेंडर पोप का एक मास्टरपीस निकल के हमारे सामने आता है। पोप ने इस पूरे जो वर्क है, अलेक्जेंडर पोप ने इस पूरे वर्क को तीन वर्जन में पब्लिश किया। जो पहला वर्जन आया वो 1712 में आया जिसमें कि टू कैंटोज ओनली थे, सिर्फ दो कैंटोज थे। फिर उन्होंने दूसरा जो वर्जन निकाला वो 1714 में निकाला और इसमें 5 कैंटोज का था और इसमें सिल्फ्स का जो कैरेक्टर है या उनका जो रेफरेंस है वो इसमें डाला और फिर अदर सुपरनेचुरल क्रीचर्स को भी इसमें इन्होंने इंक्लूड किया इस वर्जन में। फिर जो फाइनल वर्जन इन्होंने निकाला उसमें 1717 में उन्होंने पब्लिश किया और इस वॉल्यूम में उन्होंने क्लैरिसा का जो स्पीच है वो ऐड किया था 5th कैंटो में। सो ये जो है इन्होंने तीन वर्जन में इस पर्टिकुलर वर्क को पब्लिश किया। अब अगर सेटिंग की बात करें तो पूरा जो इंसिडेंट है या पूरी जो स्टोरी है वो कहीं ना कहीं लंदन के इर्द गिर्द घूमती है, लेकिन इसमें जो कैंटो वाइज जो सेटिंग है वो देख लेते हैं। कैंटो 1 की जो स्टोरी है वो आफ्टरनून मतलब दोपहर के समय से शुरू होता है लंदन में ही और वो बेलिंडा जो इसमें मेन कैरेक्टर हैं उनके रेजिडेंस, उनके घर से शुरू होता है। तो दैट इज़ द सेटिंग ऑफ कैंटो 1 जहाँ से वो बिगिन होती है। कैंटो 2 की अगर हम बात करें तो एक थेम्स रिवर का उसमें सीन है जिसमें बोट में बेलिंडा कहीं जा रही हैं, तो उस वहाँ का वो शुरू होता है और वहाँ से वो सेटिंग नज़र आती है हमको। अब कैंटो 3 और 4 की बात करें तो वो हैम्पटन कोर्ट पैलेस जो कि फॉर्मर किंग हेनरी 8th का रेजिडेंस था वहाँ पे प्लेस्ड होता है, वहाँ पे सेटिंग होती है कैंटो 3 और 4 का। और अगर कैंटो 5th के प्लेस की सेटिंग की बात करें तो वो क्वीन ऑफ स्प्लीन उसके केव में, ये पूरी पूरी जो कैंटो 5th की सेटिंग है वो हमें नज़र आती है, तो वो केव का सीन है पूरा और वो हम देखेंगे आगे। सो ये जो है ये पांचों कैंटो की सेटिंग्स हैं, प्लेस की सेटिंग है कि कहाँ पांचों कैंटो जो हैं वो इन्होंने बेस्ड किया है, तो प्लेस कहाँ कहाँ पे है। अब कैरेक्टर की अगर हम बात करें तो बेलिंडा जो है वो एक ब्यूटीफुल यंग लेडी है और ये हीरोइन कह लीजिए आप, मेन कैरेक्टर है जिसके जो कर्ल्स हैं और वो बहुत ही ग्रेसफुल कर्ल्स हैं और वो उसके चेहरे पे और उसके बहुत ही खूबसूरत हेयर्स हैं, बहुत ही खूबसूरत लड़की है, तो उसके बारे में यहाँ पे बात की गई है। बेलिंडा मेन कैरेक्टर फीमेल। देन बैरन की अगर हम बात करें तो यंग एडमायरर है बेलिंडा का और जो कि प्लॉट करता है उसके बालों को काटने के लिए, तो ये जो है एक
विलेन कह लीजिए या अपोजिट जो मेन कैरेक्टर में आता है बैरन, देन एरियल की अगर हम बात करें तो ये गार्डियन है, एक तरीके का सुपर नेचुरल क्रीचर है जो बेलिंडा का गार्डियन है और वो बेलिंडा को प्रोटेक्ट करता है सभी हार्मफुल चीज़ों से। देन क्लैरिसा की बात करें तो यंग लेडी हु गिव बैरन अ सीज़र, सो वो औरत जो बैरन को सीज़र देती है उन बेलिंडा के बाल को काटने के लिए, तो दैट इज़ द लेडी। देन एम्ब्रियल की अगर हम बात करें तो वो एक स्पिरिट है हु एंटर द केव ऑफ द क्वीन ऑफ स्प्लीन टू सीक हेल्प फॉर बेलिंडा, तो ये भी बेलिंडा का प्रोटेक्टर है और वो स्प्लीन के पास जाती है, ये स्पिरिट जाता है और बेलिंडा के लिए वो हेल्प मांगता है, सो ये एक कैरेक्टर है। देन क्वीन ऑफ स्प्लीन अगर हम कहें तो अंडरवर्ल्ड गॉडेस हु गिव एम्ब्रियल अ गिफ्ट फॉर बेलिंडा, और ये जो है अंडरवर्ल्ड गॉडेस हैं, ये कुछ रेफरेंस है जिसको जब हम पढ़ेंगे तो मैं आपको डिटेल में इनके रेफरेंसेज आपको क्लियर करती चलूंगी। देन थेलेस्टर्स की अगर हम बात करें तो ये फ्रेंड है बेलिंडा का एंड ये अर्ज करता है सर प्लम से टू डिफेंड बेलिंडाज ऑनर, कि वो बेलिंडा का ऑनर डिफेंड करे, तो ही इज़ द फ्रेंड। एंड सर प्लूम की अगर हम बात करें, प्लम की बात करें, तो ये बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीके से डांटते हैं बैरन को उसके एक्ट पे, सो ये कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टर हैं। देन स्लिफ्स हैं, फेरीज हैं, जीनीज हैं, डीमंस हैं, फैंटम्स हैं एंड अदर सुपर नेचुरल क्रीचर्स भी हैं जिसको हम जब एक्सप्लेनेशन देखेंगे तो उन सभी का रेफरेंस, उन सभी के पीछे की स्टोरी मैं आपके सामने उसको रिप्रेजेंट करूँगी, मतलब आपके सामने उसको क्लियर करती चलूँगी इनके सभी रेफरेंसेस को। फिर जो ये पूरी पोएम है, अगर आप रेप ऑफ द लॉग देखो जो 5 कैंटोज में लिखी हुई है, ये आयाम्बिक पेंटामीटर में इन्होंने लिखा है और जो पोयम है उसको उन्होंने एपिक स्टाइल में लिखा है टू रिवील द एब्सर्डिटी ऑफ कंटेम्प्रेरी एरिस्टोक्रेटिक सोसाइटी। सो उस सोसाइटी, मतलब उसको बहुत ही ज़्यादा फनी बनाने के लिए, एक तरीके से उस पर सटायर करने के लिए उन्होंने एपिक स्टाइल को पकड़ा है और इसमें उन्होंने एब्सर्डिटी को दर्शाया है, एक मतलब जो एरिस्टोक्रेटिक सोसाइटी की जो डे टू डे लाइफ में जो उनकी एब्सर्डिटी है उसको इन्होंने यहाँ हाईलाइट किया है, और जहाँ पे जो उनकी एरिस्टोक्रेटिक सोसाइटी थी उस समय उनकी जो फीलिंग्स थी एरिस्टोक्रेट पीपल की, वो ये था कि उनके अपीयरेंस, उनके सब्सटेंस ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे, मतलब उनके जो वर्च्यूज़ हैं उसकी, उसके मायने नहीं होते थे, उनके जो अपीयरेंस हैं, जो आउटलुक्स हैं, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन देयर वर्च्यूज़। सो इस चीज़ को यहाँ पे उन्होंने हाईलाइट करने की कोशिश की है। ये जो वर्क है ये इंस्पायर्ड है ला सिचिया रेपिटा, ये एक वर्क है जहाँ से इन्होंने इस चीज़ का इंस्पिरेशन लिया और फिर इस वर्क को उन्होंने लिखा। अब अगर हम थीम की बात करें तो रेप ऑफ द लॉक का अगर हम थीम देखें तो ये अपर क्लास सोसाइटी की जो फ्रिवियोलिटीज़ हैं उसके ऊपर इन्होंने अटैक किया है। देन द रोल ऑफ मैन एंड वुमेन इन द हाई सोसाइटी, इस पर उन्होंने बात की है, इसको इन्होंने रिप्रेजेंट किया है। द इम्पॉर्टेंट हाई सोसाइटी प्लेस ऑन पर्सनल प्लेजर्स एंड लग्जरीज, सो वो एक इम्पॉर्टेंट थीम निकल के आता है कि जो एरिस्टोक्रेट फैमिली के से लोग आते थे उनके लिए पर्सनल प्लेजर और लग्जरी का क्या महत्व है और वो किस तरीके से उसके लिए मतलब इंडल्ज हो जाते थे, तो ये चीज़ को उन्होंने यहाँ पे थीम बनाया। देन वैनिटी, द वैल्यू ऑफ ब्यूटी, देन इम्पॉर्टेंस ऑफ हैविंग गुड सेंस ऑफ ह्यूमर अबाउट लाइव्स एब्सर्डिटी, सो ये कुछ इंपॉर्टेंट थीम निकल के आते हैं इस रेप ऑफ द लॉक के। देन अगर हम फिगर ऑफ स्पीच की बात करें कि किस किस तरीके के फिगर ऑफ स्पीच का यूज़ किया है अलेक्जेंडर पोप ने इसमें, तो सबसे पहले जो है वो हाइपरबोल देखने को मिलता है जहाँ वो बेलिंडा की आईज़ को सनशाइन से कंपेयर करते हुए नज़र आते हैं, जहाँ पे वो लिखा है इन्होंने कि सोल थ्रू वाइट कर्टन्स शॉट अ ट्यूमरस रे द ओपन दोज आई दैट मस्ट इक्लिप्स द डे, सो ये सारे जो हैं ये हाइपोबोलिक मतलब बेलिंडा की ब्यूटी को इन्हांस करने के लिए उन्होंने इन सब चीज़ों का हाइपोबोल का यूज़ किया है। हाइपोबोल एक तरीके का ऐसा फिगर ऑफ स्पीच है जहाँ पे आप किसी चीज़ को बढ़ा चढ़ा के बोलते हो। फिर उन्होंने आगे किया है द निम्फ, दिस निम्फ टू द डिस्ट्रक्शन ऑफ मैनकाइंड नरिश्ड टू लॉक्स विद ग्रेसफुल हैंग बिहाइंड, यहाँ पे बेलिंडा की ब्यूटी को उन्होंने बताया कि वो इतने खूबसूरत उसके लॉक्स हैं कि वो पूरे पूरे मैनकाइंड के डिस्ट्रक्शन का रीज़न बन सकते हैं, मतलब वो इतना अट्रैक्टिव है उसके लॉक्स, उसकी उसकी फेस की ब्यूटी इतनी खूबसूरत है। सो ये जो है एक तरीके का
हाइपरबोलिक, यहाँ पे उन्होंने हाइपरबोल का यूज़ किया है। फिर अगर एलिटरेशन देखते हैं तो जो ये जो वर्क है रेप ऑफ द लॉक, उसमें कैंटो वन में हमको देखने को और भी सारे एलिटरेशंस हैं, बट मैंने वही यूज़ किए हैं जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सो यस, और भी ज़्यादा है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही दो एग्जाम्पल मैंने दिए, मैंने एग्जाम्पल्स दिए हैं जिससे कि आपको समझ में आए कि इस तरीके के एग्जाम्पल्स मिलेंगे। सो एलिटरेशन के एग्जाम्पल में वेयर विग्स विद स्वॉर्ड नॉट स्ट्राइव, यहाँ पे जैसा आप देख रहे हैं कि डब्ल्यू का रिपीटिशन है बार बार एंड एस का रिपीटिशन है, देन बिवैक्स बैनिस बिवैक्स बैनिश बिवैक्स एंड कोचेस कोचेस। सो यस, यहाँ पे भी आप देख रहे हो रिपीटिशन है। सो ये एलिटरेशन का एग्जाम्पल है जो कि यूज़ किया है, एलिटरेशन का यूज़ किया है एलेक्जेंडर पोप ने अपने रेप ऑफ द लॉक में। देन मेटाफर भी यूज़ है, उन्होंने लिखा है दे शिफ्ट्स द मूविंग टॉय शॉप ऑफ देयर हार्ट, ये कैंटो वन लाइन 100, जहाँ पे वो बताते हैं कि जो यंग विमेन हैं, द विम्स ऑफ यंग वुमेन टू द टॉय शॉप ऑफ द हार्ट, वो किस तरीके से हार्ट को एज ए टॉय शॉप के रूप में यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे उन्होंने कंपैरिजन किया है। देन मेटोनमी का भी यूज़ किया है, एंड माइट हार्ट्स आर हेल्ड इन स्लेंडर चेन, यूज़ हार्ट्स टू रिप्रेजेंट बेलिंडाज मेल एडमायरर्स। सो यहाँ पे जो हार्ट का उन्होंने रिप्रेजेंट किया है बेलिंडा के मेल एडमायरर्स से, अ माइटी हार्ट, सॉरी एंड माइटी हार्ट्स आर हेल्ड इन स्लेंडर चेन, ये कैंटो सेकेंड कैंटो टू लाइन 24 है, ये मेटोनमी का एग्जाम्पल है जहाँ पे उन्होंने हार्ट को यूज़ किया है, रिप्रेजेंट किया है बेलिंडा के मेल एडमायरर्स के लिए। सो पर्सोनिफिकेशन का भी इसमें यूज़ है, पर्सोनिफिकेशन का यूज़ हमें देखने को मिलता है, लव इन दीज लेब्रिंथ्स हिज स्लेव्स डिटेन्स, यहाँ पे लव को कंपेयर किया गया है, कंपेरिजन ऑफ लव टू अ मास्टर विद स्लेव, सो ये लव का यहाँ पर्सोनिफिकेशन है। देन उनके कर्ल्स को उन्होंने कहा है द इक्वल कर्ल्स एंड वेल कंस्पायर्ड टू डेक विद शाइनिंग रिंगलेट्स द स्मूद आइवरी नेक, तो यहाँ पे लॉक्स को पर्सोनिफिकेशन किया गया है कि जो लॉक्स हैं वो कंस्पायर कर रहे हैं, तो यहाँ पे उस चीज़ को यहाँ पे उन्होंने दिखाया है। सो पर्सोनिफिकेशन यहाँ हमें देखने को मिलता है लव का, एंड लॉक्स जो कि बेलिंडा के लॉक्स हैं उसका। फिर सिमिली देखने को मिलती है, ब्राइट एज द सन हर आईज द गेजर्स स्ट्राइक एंड लाइक द सन दे शाइन ऑन ऑल अलाइक। सो एज और लाइक ये जहाँ यूज़ होता है आपको पता है दे आर सिमिली, सो यहाँ पे कंपेयर किया गया है ब्राइटनेस ऑफ बेलिंडा आइज टू द ब्राइटनेस ऑफ द सन। सो येस, दिस इज सिक्स्थ फिगर ऑफ स्पीच जो कि यूज़ हुआ है रेप ऑफ द लॉक में, और भी है, मैंने कुछ इतना ही रखा क्योंकि वो फिर वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता। देन सिंबॉलिज्म अगर हम देखते हैं तो सिंबॉलिज्म लॉक का सिंबल्स है, बेलिंडा लॉक्स को जो बेलिंडा के लॉक्स हैं जिसके ऊपर पूरा पूरा टाइटल बेस्ड है रेप ऑफ द लॉक, वो एक बहुत ही पावरफुल सिंबल है जो कि वेनिटी का भी सिंबल है एंड द पावर ऑफ फीमेल ब्यूटी। तो जो लॉक है बेलिंडा का वो दो चीज़ को सिंबलाइज करता है, बोथ वेनिटी को सिंबलाइज करता है एंड द पावर ऑफ फीमेल ब्यूटी ओवर मैन, कि किस तरीके से मैन जो है वो उनके कर्ल में उनके लॉक्स में उलझ के रह जाते हैं, तो ये चीज़ का भी द लॉक जो है बेलिंडा के लॉक है वो सिंबलाइज करते हैं। सो अकॉर्डिंग टू द पोयम बेलिंडा हैज़ नॉरिश्ड हर लॉक्स, वो बहुत ही ख्याल रखती है अपने लॉक्स का, मीनिंग शी हैज़ ट्रेंड देम, वो ट्रेंड की रहती है उनको टू बी एट देयर मोस्ट फैबुलस हैंगिंग टेम्पलिंग डाउन देयर डाउन हर नेक, तो वो उनको बहुत ही नॉरिश उनको बहुत ही पैम्पर्ड करके रखती है अपने लॉक्स को। सो ये चीज़ है। फिर जो कार्ड्स हैं उसका जो कैंटो थ्री में ये प्ले करते हैं ओम्बर का जो प्ले होता है अगेंस्ट द बैरन, वो जो प्ले करती है वो भी एक तरीके का सिंबल है, ये जो गेम है कार्ड का या ओम्बर का जो गेम है ये सिंबलाइज करता है वॉर एंड स्पेलिंग आउट ईच मूव, कि किस तरीके से मूव होता है बैरन और बेलिंडा के बीच में का जो वॉर है उसको ये कहीं ना कहीं सिंबलाइज करता है, एक स्ट्रेटेजिक गेम को सिंबलाइज करता है। देन बॉडकिंस जो होते हैं, बॉडकिन इज़ अ पिन
जिससे कि जो फीमेल्स होती हैं वो अपने हेयर में पुट करती हैं. सो वो पिन जो है सिंबलाइज करता है स्वॉर्ड्स एंड स्फियर्स का, जो कि हीरोज़ ने यूज़ किए हैं अपने एपिक में, मतलब अर्लियर एपिक्स में जो हीरोज़ ने अपने जो हथियार का यूज़ किया है उसी चीज़ का सिंबलाइज करता है बॉडकिन. क्योंकि ये जो सिंबल है बॉडकिन जो है वो यूज़ करती है बैरन के अगेंस्ट, जब बैरन उसको हर्ट करता है, उसके कॉल को हर्ट करता है, तो वो उससे उस पर अटैक करती है. सो ये चीज़ें जो है ये सिंबल के रूप में हमें नज़र आता है. अब अगर हम सोशल सटायर की बात करें, क्योंकि हम कहते हैं रेप ऑफ द लॉक इज़ अ सोशल सटायर, तो ये सोशल सटायर कैसे है? पोप इन रेप ऑफ द लॉक सेटराइजेस द फॉलोइंग एस्पेक्ट ऑफ दैट सोसाइटी. किस किस चीज़ पे उन्होंने सटायर पास किया है? तो यंग गर्ल्स एंड बॉयज़ के ऊपर उन्होंने सटायर पास किया है, जस्टिस एंड जजेस के ऊपर उन्होंने सटायर पास किया है, उस प्रेजेंट सोसाइटी जिस सोसाइटी में पोप रहते थे. देन क्वीन इज सटराइज्ड, जो क्वीन है उनको सटायर किया है. देन नेचर ऑफ हजबेंड एंड वाइफ्स, उसके नेचर को, हजबेंड और वाइफ के बीच के नेचर को सटायर किया है. फैशनेबल लेडीज़ पर सटायर पास किया है एंड फ्रेंडशिप के ऊपर सटायर पास किया. तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिस पे पोप ने अपने वर्क रेप ऑफ द लॉक में डायरेक्ट सटायर पास किया है. अब वो जो सटायर्स हैं कहाँ कहाँ पास किया गया है वो, फॉर एग्जाम्पल यंग गर्ल्स एंड बॉयज़, आप कैसे कह सकते हो कि यंग गर्ल्स एंड बॉयज़ के ऊपर उन्होंने सटायर पास किया, तो उसका ये एग्जाम्पल है. नाउ लैप डॉग्स गिव देम सेल्फ द रोजिंग शेक एंड स्लीपलेस लवर्स जस्ट एट 12 अवेक. सो ये जो है इनके ऊपर सटायर पास करते हुए नजर आते हैं. देन नेक्स्ट जो है एग्जाम्पल द ब्यू एंड द राइटिंग पैरिश्ड इन द थ्रोंग, वन डाइड इज मेटाफर एंड वन इज सॉन्ग. सो ये जो है ये इन दोनों लाइन को हम जब पूरा डिटेल में पढ़ेंगे तब मैं आपको बताऊंगी. यहाँ सिर्फ मैंने एग्जाम्पल दिया है कि कहाँ कहाँ उन्होंने इस इन पर्टिकुलर जो चीज़ों के ऊपर हमने बात की उस पर उन्होंने सटायर किया है. फिर नेचर ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ को सटराइज करते हुए वो कहते हैं, नाउ लाउडर श्रिंक्स टू पिटिंग हेवन आर कास्ट हीव्स आर कास्ट सॉरी व्हेन हस्बैंड्स और व्हेन लैप डॉग्स ब्रीद देयर लास्ट. सो ये सारे सटायर हैं जो कि नेचर ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ्स के ऊपर उन्होंने पास किया है. देन जस्टिस एंड जज के ऊपर वो सटायर पास करते हुए कहते हैं, द हंग्री जजेस सून द सेंटेंस साइन एंड रिच हैंग दैट ज्यूरी मैन मे डाइन. देन फैशनेबल लेडीज के ऊपर वो सटायर पास करते हुए कहते हैं, हियर फ्लाइज ऑफ पिंस एक्सटेंड देयर शाइनिंग रोज पफ्स पाउडर्स पैचेस बाइबल्स बिलिट डॉक्स. देन क्वीन इज सटराइज कहाँ पे, हियर दाउ अ ग्रेट एना हुम थ्री रेल्म्स ओबे डॉस्ट समथिंग काउंसिल टेक एंड समथिंग समटाइम्स टी. सो येस यहाँ पे उन्होंने क्वीन के ऊपर सटायर पास किया है. देन फ्रेंडशिप के ऊपर सटायर पास करने का कंसेप्ट है कि फ्रेंड्स आर हॉलो एंड फिकल एट दैट टाइम, जिस टाइम पे उन्होंने बात किया, एज सून एज बेलिंडा रेप्यूटेशन इज गॉन थेलिस्ट्रिस डज नॉट लाइक टू बी कॉल्ड हर फ्रेंड, क्योंकि वो वहाँ पे उसको उस तरीके से कंसोल नहीं कर पाता है थेलिस्ट्रिस जैसे कि एक फ्रेंड को करना चाहिए. सो थेलिस्ट्रिस का रिप्रेजेंटेशन देते हुए उन्होंने फ्रेंडशिप के ऊपर एक सटायर पास किया है एज ए पूरा पूरा कि कितनी हॉलो होती थी उनकी फ्रेंडशिप उस समय में. सो दिस इज ऑल अबाउट रेप ऑफ द लॉक. आई होप कि आपको ये पसंद आया होगा. अब अगली बार जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा वो हम डायरेक्ट केंटो के एक्सप्लेनेशन पे चलेंगे. सो ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जिसके थ्रू आप एक अच्छा आंसर लिख सकते हो इनको ऐड करके, कहाँ सटायर पास किया गया है, कहाँ जो फिगर ऑफ स्पीच है वो कहाँ कहाँ यूज हुआ है विद एग्जाम्पल, एंड आपका एक अच्छा आंसर तैयार हो सकता है रेप ऑफ द लॉक पे. सो इसी के साथ ये वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं और आई होप कि आपको पसंद आएगा. अगर पसंद आएगा तो प्लीज़ लाइक कर दिया करिए, थोड़ा अच्छा लगता है, मोटिवेशन मिलता है. ऐसे थोड़ा मोटिवेशन नहीं मिल पाता है. सो प्लीज़ अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा. और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड स्टे ब्लेस्ड, एंड वंस अगेन थैंक यू.